पे भरोसा करना है और भगवान कह रहे हैं वो अमानत देगा जो इस संसार को तो चलाएगा चलाएगा फिर धर्म को भी चलाएगा। खोला कर दे बेटा। नमस्कार, सौराष्ट्र क्रांति में आपनु स्वागत छे। आज रोज हाल में सोशल मीडिया ની અંદર એક વિડિયો ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। આ વિડિયો ચૂંટણી ના થોડા દિવસ અગાઉ રાજસ્થાન ના એક બાબા નો હતો। એ બાબાએ ખૂબ મોટા પ્રમાણ માં આગાહીઓ કરી હતી, દેશ અને વિશ્વ માટે આ બાબાએ ખૂબ આગાહીઓ કરી હતી। આ દેશ ની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી ને રિઝલ્ટ માં કેટલી સીટો મળશે, કેટલી સીટો ભાજપ જીતશે તેની પણ બાબાએ આગાહી કરી હતી। અને આજ રોજ જ્યારે ફરીથી રિઝલ્ટો આવ્યા છે, પરિણામો જાહેર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આ બાબાનો વિડિયો ફરીથી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે। બાબા કેટલા સાચા હતા, કેટલા ખોટા હતા, શું એને વાત કરી હતી, જોઈએ આપણે આ વિડિયો। और शो सत्तर वाणी। जय श्री राम भगवान। मुझे कुछ चीजें पूछनी थी। देश हित में कोई युद्ध या कोई षड्यंत्र की संभावना भारत के साथ? भारत के साथ कोई भी अभी तो नहीं है, 27 तक हो सकता जी भगवान। और विश्व गुरु बनने की राह? विश्व गुरु बनने के लिए 28 से 32 के बीच में भारत विश्व गुरु बन जाएगा जी भगवान। और भगवान, लोकसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें सीटों के बारे में 365 बीजेपी की और एनडीए की मिला को 422 जी भगवान। और भारत में कोई बीमारी, कोई आपदा आने की संभावना भगवान? भारत में और शो सितंबर में एक आएगा, किस तरह वो आएगा? वायरल के रूप में पेट में दर्द होगा जी, उल्टी भी हो सकती है उसमें जी, और काले चट्टे आएंगे जी, और कोई चले जाएंगे, कोई रुक जाएंगे, साइंस के पास कोई इलाज नहीं होगा। प्राकृतिक आपदा भगवान? प्राकृतिक आपदा प्रकृतिक आपदा जनवरी में आएगा, इसमें तो नहीं है 24 में। आपको और बोलिए, आपकी तरफ से कोई मतलब हम लोगों के लिए करने का या कुछ करने का हो? कोई चेतावनी नहीं, मैं जब तक साथ हूँ आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता जी। पूरे सरकार की भारत में, पूरा भारत एक बार पूर्ण भारत भी बनेगा और जल्दी से जल्दी पूर्ण भारत बनेगा, विश्व गुरु कहलाएगा और विश्व का विजेता हमेशा रहेगा भगवान। कोई युद्ध की संभावना? युद्ध की संभावना है वो दूसरे देशों में होगा, एक तरफ 45 एक तरफ 37 उनमें युद्ध होगा, कुछ देश मिट जाएंगे, कुछ देश बच जाएंगे, ये विश्व युद्ध नहीं होगा जी भगवान, उसको रोक रखूंगा मैं जी। और भारत पे कोई आंच नहीं आएगा 2050 तक, ज्यादा लंबे तो नहीं बताऊं, ये 50 तक कोई आंच विश्व की कोई भी हस्ती भारत से नहीं टकरा सकती। और वो मूल मन्यान बस 24 में आई तो जाए, फिर आप देखिए क्या क्या होता है जी। और फसलों के बारे में आपको जो पूछना हो? हाँ बोलिए। हीरा परमात्मा, हीरा का भाव रहेगा 2500 से 7500। चना बोलिए जल्दी। चना चने का भाव रहेगा 3000 से 11000। लहसुन 8000 से 28000। प्याज 1500 से 3500। मूंग 7000 से
21,000 तक भाई पैदा करेंगे हम। अब और बोलो बोनी आपकी अषाढ़ से एक पहले हो सकती है, एक लगते अषाढ़ की पंचमी होगा और एक लगते अषाढ़ की तेरस होगा। अच्छी कहाँ की रहेगा बाबा? अच्छी ये दोनों रहेगा, पंचमी और तेरस। जो पहले होगा जेठ में हो जाएगा गंगा दशमी के लगभग, वो थोड़ी गड़बड़ रहेगी। बारिश फुल बारिश है 90%, बिल्कुल कमी नहीं रखूंगा। और बोलिए सोना चांदी बाबू, और है कोई सोना चांदी को क्या करो? अरे सोना चांदी काय में से लांगा पैसा तो इन्हें हमारा कने ना कौन है सोना चांदी बाबू बता दो। सोना 60 से 1,20,000 ले लो, चांदी 75 से 1,30,000 और बोलो बात दया बने राग जो बाप जी खरीद लो। और बोलना है डॉलर का 6,000 से 14,000 मसूर 7,000 से 9,000 गेहूं बता दिया दे तो दियो बता दो बोला था अभी पैदा होगा हां तो मैं पैदा होएगा अभी बोला नहीं था पैदा भारी भारी एक एक अरे वो मार में से ये तो चांगले की बारात है ला भगवान पे भरोसा करना है और भगवान तेरे यहाँ वो अमानत देगा जो इस संसार को तो चलाएगा चलाएगा फिर धर्म को भी चलाएगा। खोला कर खोलो कर दे बेटा। अबे बा 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 आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। और